रेजर ओएस का लेटेस्ट अपडेट 21.4.7 का अपडेट जो है यहाँ पे आ चुका है, और पिछला अपडेट हमारा नॉन ओसी था जो कि स्टॉक बिल्कुल था, लेकिन यहाँ पे वापस आपको ओवरक्लॉक देखने को मिलने वाला है जो कोई 2.21 है। लेकिन यहाँ पे हम बात करने वाले हैं इसकी परफॉर्मेंस में क्या कुछ फ़र्क पड़ा है और यहाँ पे चेंजेस कौन कौन से हैं, क्योंकि यहाँ पे कुछ लोग मुझसे कमेंट करके पूछ रहे थे एक फीचर के बारे में जो कि रिमूव हो चुका था, कोई ऐड हुआ कि नहीं। हालांकि यहाँ पे ऐड हो चुका था, आप वीडियो देखना आपको पता चल जाएगा। बाकी यहाँ पर जो है हेलास अभी नंबर वन पे था, लेकिन यहाँ पे आपको इसके आने के बाद कौन नंबर पे वन पे रहेगा उसके बारे में मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ, तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना। और अगर आप हमारे चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे कर लीजिए, ताकि जब भी मैं अगली वीडियो अपलोड करूँ आप सभी को नोटिफिकेशन मिल जाए। तो चलिए वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। अबाउट फोन के अंदर यहाँ पे हमारा MIUI 12.5 देखने को मिलता है, हालांकि यहाँ पे 12.6 होना चाहिए क्योंकि ये बिल्ड जो है 12.6 के साथ है, लेकिन यहाँ पे इसमें भी नेम अभी चेंज हुआ है। बाकी आपका बिल्ड नंबर 21.4.7 मिलता है लेटेस्ट रेजर ओएस का, एंड यहाँ पे आप देखोगे तो ओवरक्लॉक्ड है ये वाला बिल्ड 2.2, एंड यहाँ पे एंड्रॉइड वर्जन 10 है। सिक्योरिटी पैच 1 अप्रैल 2021 की बिल्कुल लेटेस्ट ही है, और पिछले अपडेट में जो कर्नल था वही आपको मिलता है जो कि डीगल का रेजर वर्जन 14, तो ये आपका कर्नल सेम है, बस आपका इस बार जो है ओवरक्लॉक्ड है, तो ये आपको यहाँ पे मिलता है और ये न्यू कैम के साथ है। एंड अगर हम यहाँ पे बात करते हैं कास्ट, तो काम करता है वॉलपेपर एंड पर्सनल लाइसेंस के अंदर आपका जो वॉलपेपर्स पहले देखने को मिलते थे वही सभी वॉलपेपर्स मिल जाते थे, यहाँ पे आपको कोई चेंजेस नहीं मिलता इस अपडेट में। बाकी आपका थीम भी सेम ही है और यहाँ पे थीम स्टोर चाइनीज में ही देखने को मिलता है, और लॉक स्क्रीन में तो कोई चेंजेस नहीं, सारी चीज़ें सेम है। लेकिन हम चलते हैं यहाँ पे डिस्प्ले के अंदर, तो यहाँ पे जो है आपका यहाँ पे अगर आप देखोगे रीडिंग मोड, तो ये जो है बिल्कुल इसी तरीके से काम कर, और काफ़ी हाई जो है यहाँ पे आप इनेबल कर सकते हो, यहाँ पे एडजस्ट में आप देख सकते हो ये जो आपको मिलता है। एंड यहाँ पे अगर आप देखोगे तो DPI वाला जो ऑप्शन मैं बोला था मिसिंग था पिछले कुछ अपडेट से, लेकिन वापस से यहाँ पे ऐड कर दिया गया है ये ऑप्शन। एंड बाकी आपका लाउड रोटेशन अच्छे से काम कर रहा है, साउंड एंड वाइब्रेशन में कोई चेंजेस नहीं है, नोटिफिकेशन एंड कंट्रोल सेंटर के अंदर भी कोई चेंजेस नहीं है, स्टेटस बार आप देखोगे तो बिल्कुल पहले की तरह ही है, और हमारा जो होम स्क्रीन है इसके अंदर हमारा सिस्टम नेविगेशन मिलता है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें जेस्चर की, तो ये जो है आपका काफ़ी स्मूथ आपको मिल जाता है यहाँ पे, हालांकि पिछले अपडेट से ज़रूर आपको यहाँ पे बेटर देखने को मिलने वाला है। तो ये अच्छे तरीके से काम करो, काफ़ी स्मूथ भी है, तो यहाँ पे दिक्कत नहीं। लेकिन अगर हम बात करें यहाँ पे स्वाइप अप गूगल असिस्टेंट की, तो वो तो आप यूज़ कर पाओगे गूगल ऐप के थ्रू, लेकिन यहाँ पे जो है ओके गूगल काम नहीं करता है, तो इसका बग अभी भी मिलता है। बाकी आपका सर्च बार हो गया, नीचे अरेंज आइटम इन रिसेंट, ये सारे ऑप्शन आपको मिल जाएंगे। सिक्योरिटी के अंदर हमारा फिंगरप्रिंट और फेस अनलॉक अच्छे से काम कर रहा है, प्राइवेसी प्रोटेक्शन लेटेस्ट ही है। बैटरी की अगर हम बात करें यहाँ पे, तो पिछले अपडेट के मुकाबले हल्का सा आपको डाउन ज़रूर देखने को मिलेगा, क्योंकि पिछले अपडेट वाला जो है यहाँ पे ओसी कर्नल के साथ नहीं था, लेकिन ये जो है ओसी के साथ है, थोड़ी सी आपको बैटरी जो है डाउन देखने को मिलेगी। बाकी हमारा यहाँ पे ऐप्स के अंदर आप देखोगे तो मैनेज होम स्क्रीन शॉर्टकट अभी भी इसके अंदर देखने को मिलता है, जो कि अभी सोमी और सभी बेस्ट रोम में डिलीट हुआ है, लेकिन यहाँ पे देखने को मिलता है। एंड बाकी सारी चीज़ें तो आपकी सेम ही देखने को मिलती है। एडिशनल सेटिंग्स के अंदर अगर हम चलते हैं, तो यहाँ पे लैंग्वेज भी आपकी जैसे पहले थी उसी तरीके से मिलती सारी लैंग्वेज, और इंडोनेशियन लैंग्वेज भी है यहाँ पे। और रीजन अगर आप चेंज करना चाहते हो तो आराम से चेंज करो, रीजन में कोई दिक्कत नहीं है। नोटिफिकेशन लाइट काम करती है, क्लियर स्पीकर आपको यहाँ पे मिल जाता है, और यहाँ पे आपको जो है एसेंट कलर भी मिलता है, तो डेवलपर ऑप्शन आप इनेबल करके एसेंट कलर भी चेंज कर सकते हो, तो ये जो है आपका वर्किंग एसेंट कलर चेंज कर सकते हो। स्क्रीन टाइम एंड फोकस मोड आपका सेम रहेगा, इनमें कोई चेंजेस हमें नहीं मिलती है। और स्पेशल फीचर्स के अंदर हमारा यहाँ पे गेम टर्बो है, वीडियो टूल बॉक्स, फ्लोटिंग विंडो, सेकंड स्पेस, किड स्पेस जो कि चाइनीज में ही रहता है, खाली भी रहता है, MIUI लैब एंड लाइट मोड हमें मिलता है जो कि सेम है। बाकी अकाउंट एंड सिंक आपका बिल्कुल अच्छे से काम करता है। अगर हम यहाँ पे बात करते हैं हमारा जो कि कंट्रोल सेंटर है, तो ये आपका स्मूथ मिलने वाला है यहाँ पे, और वाईफाई प्लस हॉटस्पॉट सेम टाइम पे आपका काम करता है यहाँ पे। बाकी टॉगल्स आप देखोगे तो टॉगल्स जितने भी आपको मिलते हैं ये पहले वाले हैं, बिल्कुल सेम मिल जाते, तो यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा ऐड नहीं हुआ है। वॉल्यूम पैनल आपका जो है बिल्कुल अच्छे से काम कर रहा है, कोई भी दिक्कत यहाँ पे देखने को नहीं मिलती है, तो ये जो है बिल्कुल आपका लेटेस्ट है। पावर मेन्यू भी आपका जो है लेटेस्ट ही देखने को मिलेगा, तो यहाँ पे भी कोई दिक्कत हमें नहीं मिलती है। और यहाँ पे अगर हम चलते हैं इसके ऐप ओपनिंग की तरफ, तो ऐप ओपनिंग भी आपकी ज़रूर यहाँ पे इंप्रूव हुई है। ऐप ओपनिंग की स्पीड जो है आप देखोगे तो जो है इंप्रूव हुई है, और यहाँ पे एनिमेशन भी जो है काफ़ी स्मूथ है, तो पिछले अपडेट से आपको ज़रूर बेटर यहाँ पे मिल जाता है। और एक चीज़ और बता दूँ कि यहाँ पे हेलास से भी थोड़ा सा आपको बेटर इसका ऐप ओपनिंग स्पीड एंड स्मूथनेस मिलती है। रैम हमारा जो है यहाँ पे 1.8 या फिर 1.9 GB के करीब जो है आपको फ्री मिल जाता है 4 GB में। और यहाँ पे जैसे कि आपको ये फ्री गिफ्ट दो मिलते हैं अभी फिर से, पिछले अपडेट में नहीं थे लेकिन ये आपको वापस दे दिए गए हैं सोमी ओएस रैम में, तो ये फिलहाल आप मैनुअली इंस्टॉल कर लेना, अनइंस्टॉल। एंड यहाँ पे आपका स्क्रीन रिकॉर्डर आपको पता है कुछ अपडेट्स आपको यही स्क्रीन रिकॉर्डर मिलता है, यहाँ पे फोनोग्राफ का म्यूजिक है। एंड यहाँ पे हमारी जो गैलरी है फिलहाल ये आपको लेटेस्ट मिल जाती है बिल्कुल, जिसमें आपको ऑप्शन यहाँ पे मिलता है, जैसे कि मैं आपको स्क्रीनशॉट दिखा देता हूँ।
ओपन करते ही तो यहाँ पे आपको ऑल का ऑप्शन मिलता है और यहाँ पे टैग बाय कैमरा, टैग बाय कैमरा सेलेक्ट करोगे तो यहाँ पे आपको फ्रंट पे जो है सिर्फ कैमरे वाली पिक्चर शो करेगी। ऑल कर दोगे तो सभी, जैसे कि मैं ऑल कर रखा हूँ सभी पिक्चर शो कर रहा है। बाकी एडिट एंड सेटिंग्स में आपको कोई दिक्कत नहीं है, जैसा पहले तो उसी तरीके से स्काई एंड बाकी सारे ऑप्शन आपको सेम मिलते हैं। बस हमारा जो सेटिंग्स है, सेटिंग्स का जो क्लाउड वाला ऑप्शन है पिछले या कुछ अपडेट से जो है ओल्ड हो चुका था, लेकिन यहाँ पे फिर से आपको लेटेस्ट क्लाउड वाला देखने को मिल जाता है। एंड यहाँ पे हमारा प्ले स्टोर जो है वो आपको बिल्कुल सर्टिफाइड मिलता है, तो यहाँ पे बैंकिंग ऐप में जो है इश्यूज देखने को नहीं मिलेंगे, आप आराम से यूज़ कर पाओगे। और टूल्स के अंदर हमें FM मिलता है, अच्छे तरीके से काम भी कर रहा है। बाकी MI रिमोट, ये सारे ऑप्शंस आपको सेम मिलने वाले हैं। एंड यहाँ पे हमारा जो कैमरा है MIUI का, इसमें भी कोई चेंजेस नहीं है, जैसा पिछले अपडेट में था उसी तरीके से आपको मिलता है, सारी सेटिंग्स सेम है। और यहाँ पे अगर आप GCam यूज़ करते हो तो 8.1 आपका बिल्कुल अच्छे से काम कर रहा है, साथ साथ यहाँ पे स्लो मोशन भी काम कर रहा है, इसमें हमें दिक्कत देखने को नहीं मिलने वाली है, जो है बिल्कुल अच्छे तरीके से काम कर रहा है। एंड नेक्स्ट हम बात करते हैं यहाँ पे AirBolt के बारे में, तो ये भी बिल्कुल लेटेस्ट आपका है, तो इसके अंदर भी कोई प्रॉब्लम हमें नहीं मिलती है। और कॉलिंग की बात करें तो कॉलिंग के अंदर हमारा वोल्ट ही काम कर रहा है, वीडियो कॉल भी वर्किंग है, ब्लूटूथ ऑडियो जो है वो आपका बिल्कुल फिक्स है। एंड यहाँ पे जो है मेन आपको इको वाली प्रॉब्लम ज़रूर देखने को मिल रही है अभी भी, तो ये चीज़ देखने को मिलेगी। एंड अगर हम यहाँ पे बात करें एंटूटू स्कोर के बारे में तो 159,413 स्कोर मिलता है, जबकि पिछले अपडेट में 148,000 था। तो पिछला जो है नॉन OC था, लेकिन इस बार OC है, ओवरक्लॉक्ड है, तो इस बार जो है स्कोर आपका इम्प्रूव हुआ है। अगर हम बात करते हैं यहाँ पे इसके बूट एनिमेशन की, तो रेजर का आपका बूट लोगो मिलता है और बूट लोगो में टाइम भी लगता है अभी भी। एंड बूट एनिमेशन आपका MIUI वाला कुछ इस तरीके से मिल जाएगा, जैसा पहले था उसी तरीके से ये चीज़। एंड गेम के अंदर हमारा यहाँ पे गेम टर्बो में अगर आप देखोगे तो यहाँ पे बिल्कुल नॉर्मल आपको देखने को मिलता है, पिछले अपडेट में भी नॉर्मल ही था। और ग्राफिक भी आपके बिल्कुल सेम स्मूथ पे 90+ बैलेंस पे हाई और HD पे हाई इतना अनलॉक मिलता है। तो मैं यहाँ पे स्मूथ एंड एक्सट्रीम पे फिलहाल खेलने वाला हूँ और आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ कि हेलास और इन दोनों में से कौन सी बेटर है या कैसी परफॉर्मेंस इन दोनों की। सबसे पहले अगर हम बात करें इन दोनों की पबजी परफॉर्मेंस को लेकर के, तो पबजी परफॉर्मेंस जो है, हालांकि सबसे पहले हम बात करते हैं स्कोर के बारे में, तो स्कोर जो है टू स्कोर हेलास में जो है आपको थोड़ा सा बेटर देखने को मिलता है रेजर से, और यहाँ पे 159 है। अगर अगेन टेस्ट करें तो 160 या 61 तक भी जा सकता है, उसका 64 था, 64 या 63 के करीब, तो ऑलमोस्ट ज़्यादा कुछ स्कोर में उतना कुछ खास फर्क देखने को नहीं मिलता। अगर हम बात करें यहाँ पे इसकी पबजी परफॉर्मेंस के बारे में दोनों में, तो पबजी परफॉर्मेंस जो है दोनों की ही आपको तगड़ी देखने को मिल जाती है यहाँ पे। तो फिलहाल यहाँ पे पबजी परफॉर्मेंस में अगर मैं बात करूँ तो दोनों का ऑलमोस्ट सेम आपको पबजी परफॉर्मेंस अभी देखने को मिलने वाला है, तो इसमें आपको कोई फर्क नहीं, आप इसका हेलास यूज़ करो या फिर रेजर यूज़ करो गेमिंग के लिए, दोनों में ही आपको तगड़ी परफॉर्मेंस मिल जाएगी। बाकी अगर हम बात करें ऐसे एनिमेशन सिस्टम एनिमेशन के बारे में, तो उसमें आपको ज़रूर यहाँ पे रेजर थोड़ा सा बेटर देखने को मिल जाता है, ऐप ओपनिंग जो स्पीड एंड एनिमेशन स्मूथनेस है थोड़ी सी आपको रेजर की बेटर मिल जाती है। इसलिए मैं यहाँ पे फिलहाल अभी नंबर 1 पे जो है रेजर को आपको बोलना चाहता हूँ कि रेजर जो है आपको टॉप पे देखने को मिल जाता है। बाकी यहाँ पे हमारा जो हेलास है वो आपको सेकंड पे ही देखने को मिलेगा, लेकिन जैसे कि आपको बताया इनके जो परफॉर्मेंस में है ज़्यादा कुछ फर्क आपको देखने को नहीं मिलता, गेमिंग ऑलमोस्ट सेम है, बस यहाँ पे जो इसका सिस्टम एनिमेशन जो होता है उसमें आपको ज़रूर थोड़ा सा रेजर आपको ज़्यादा स्मूथ देखने को मिल जाता है। अब आपको डिसाइड करना है कि कौन सा आपको फ्लश करना है, मैं आपको यहाँ पे कंप्लीट बता दूँ। बाकी अगर आपको कुछ पूछना है तो टेलीग्राम हमारा डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप ज्वाइन कर सकते हो, या फिर कमेंट में भी आप जो है पूछ सकते हो, अगर कुछ मिस हुआ है उसके लिए भी आप पूछ सकते हो, मैं आपको बता दूंगा। बाकी यहाँ पे रेजर पे आपको अभी भी इको जो है देखने को मिल जाता है, आप अपने हिसाब से जो है आप डिसाइड कर लेना। बाकी मैं आपको सारी चीज़ें बता ही दिया हूँ, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे कर दीजिए, ताकि जब भी मैं अगली वीडियो अपलोड करूँ आप सभी को नोटिफिकेशन मिल जाए। और अगर आप रेजर के पिछले अपडेट पे थे तो जो है क्लीन फ्लश ही करना, ज़्यादातर हमेशा जो है रिकमेंडेड वही रहता है क्लीन फ्लश ही करना। तो बस आज की वीडियो में इतना ही, थैंक्स फॉर वॉचिंग।